तो हमारी जान ही निकाल दी थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो कहाँ करते हो? कहाँ से लाते ममता का आंचल? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, बस बैठे बैठे हुक्म चलाइए, बाकी सारी जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे, हम सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ। आपने पाल पोस के हमें बड़ा किया, आपने तो अपना फर्ज पूरा कर लिया, अब हमें अपना फर्ज पूरा कर लेने दीजिए। और हमारा फर्ज यह है कि आपको इस उम्र में हमेशा खुश रखें। गुंजन अगर आपकी बेटी है तो हमारी छोटी बहन भी है। गुंजन की सारी जिम्मेदारियां भावरी है, वादा करते गुंजन के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अरे जब तक गुंजन का ये भाई जिंदा है ना, उस पर आज भी नहीं आने देगा वो, वादा करते। आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी को भी गुंजन के ऊपर उंगली उठाने नहीं देंगे। हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। सही बात है मामी, रोइए मत, गुंजन ऐसी लड़की नहीं, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, उसे किसी ने बहकाया है। फातिमा भी, हमने से कोई उसे गलत नहीं समझता, मैं मानती हूँ कि गुंजन के साथ जो हुआ वो हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन हम इस मुसीबत से निकल आएंगे, अब ठीक हो जाएगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए।